जो नए हैं, जो पुराने हैं वो तो रूल्स जानते हैं, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था और आप लोगों को फेसबुक में भी बता दिया था। रूल्स यही है, 24 लिमिट है, एज लिमिट है प्लेयर्स का, 24 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 24 से नीचे आप लड़ा सकते हो। रूल नंबर 2, अद्धी पतंग काइट लड़ेगी, अद्धी अलाउ है, पौनी अलाउ नहीं है, ठीक है, अद्धी साइज़ का आप पतंग लड़ा सकते हैं। रूल नंबर 3, एक ही प्लेयर लड़ाएगा और एक प्लेयर को 3 मौका मिलेगा, मतलब 3 पेज लड़ाएगा, मर्जी का गेम नहीं है, एक ऊपर से लड़ाएगा, एक नीचे से, फिर एक ऊपर से, 3 पेज लड़ाएगा। जो टॉस जीतेगा, रूल नंबर 4 बता रहा हूँ, जो टॉस जीतेगा वो पोजीशन ले सकता है या पेच ले सकता है। अगर पेच लेगा तो वो नीचे से खेलेगा या ऊपर से, उसका मर्जी है, पोजीशन लेगा या राइट या लेफ्ट पोजीशन लेगा तो वो उसकी मर्जी है। और जो पहला राउंड जीतेगा वो सेकंड राउंड जाएगा, फर्स्ट राउंड सेकंड थर्ड होते होते सेमीफाइनल फाइनल देखेंगे। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, कोलकाता में बहुत धूप है, आप देखिए कितना धूप है। आइए दोस्तों, टॉस टाइम स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं जी जी, ठीक है, एडवांटेज बोलिए पहले, हेड दूसरा टॉस है जी, दूसरा टॉस है, एक चीज मिलेगा ठीक है, या पेज या खेल आया, खेल आया या जगह या पेज, जगह लीजिएगा राइट या लेफ्ट, हवा के हिसाब से बता दीजिए जी जी, 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट के अंदर बता दीजिए ठीक है। आज दूसरा टॉस करने का है, 2 मिनट मोटे रहेगा। आइए दोस्तों, दूसरा टॉस अब स्टार्ट होने वाला है, देख सकते हैं सभी प्लेयर्स जो है आ चुके हैं, देख सकते हैं दोनों टॉस हो चुका है। पहला टॉस तो मैंने आपको दिखा दिया जिसमें भैया जीत गए थे, भैया हार गए थे माफ कीजिएगा, और भाई जीत के पोजीशन लिए, देखिए भाई क्लब का नाम बता दीजिए दोनों, हावड़ा और एक फ्रेंड्स फॉरएवर, चलिए ठीक है, दूसरा टॉस स्टार्ट हो गया, देखिए हेड बोला है हावड़ा ने और ये टेल आया है, फ्रेंड फॉर एवर जीत गया टॉस। क्या लीजिएगा, जगह या पोजीशन या पेच, पोजीशन लेंगे, चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़े देर में आप लोगों को पेच देखने को मिलेगा, एक से एक यहाँ हावड़ा की टीम भी आई हुई है, और देखिए हमारे सोना ही आ चुके हैं यहाँ पर ही हल्का मचाने, और बाबू भी है, सभी यहाँ मौजूद है, बहुत मज़ा आने वाला है। टूर्नामेंट का पहला दिन स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कौन जीतती है इस टूर्नामेंट को, और भाई भी पूरा रेडी है तैयारी करते हुए। और एक टॉस है क्या, सब टॉस हो चुका है, चलिए ठीक है। आइए दोस्तों जी, इस टूर्नामेंट में मेरा कोई रिलेटेड नहीं, जी जी जी, फैजान ये है जी जी, फैजान करा रहा और गुड्डू करा रहा है जी जी, आप थोड़ा बिहाफ में सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट, मैं भी तो सपोर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल, इसमें हम भी इन्वॉल्व है, इससे मेरा कोई रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे बगल में रहता है, बस सपोर्ट कर, क्या बात है, इसलिए सपोर्ट कर रहे बच्चों, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। दूसरा बात, बहुत सारा का एक क्वेश्चन था लाइव लॉटरी का ही नहीं, हाँ हाँ हाँ, लाइव लॉटरी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सिंगल टूर्नामेंट है जी जी, सिंगल प्लेयर, एक एक क्लब से 7-7 बंदा आया है, कोई से 5 बंदा आया है, कोई से 4 बंदा आया है जी जी जी, ठीक है, तो अगर लाइव लॉटरी करते तो पहले ही गेम में सब आपस में ही पड़े, हाँ ये भी एक तो प्रॉब्लम थी, लाइव लॉटरी नहीं किया जी, और मेरी भी तबीयत खराब थी थोड़ा उस दिन, हाँ इसलिए लाइव लॉटरी नहीं किया, सबका मतलब क्वेरीज हम ये कर देते, सॉल्व कर देते। टूर्नामेंट में हुआ है आपको किसी से भी खेलना है, टूर्नामेंट का मतलब हुआ है आपको खेलना है किसी से भी खेलना है, आप आ रहे हैं बेस्ट के लिए प्रिपेयर होके, मतलब ऐसे नहीं कि हमको मेरे इससे खेलना है उसी नहीं, जी जी जी, जिससे कॉमेडी पढ़ाएगा, चाहे फुटबॉल होता है क्रिकेट होता है, लाइव लॉटरी नहीं होती जी जी जी, ठीक है, ये गुड्डी में भी नया थोड़ा चालू हुआ है लाइव लॉटरी, इसका सबका अपना अपना थॉट है जी जी, लेकिन बोलने का मतलब ये है लाइव लॉटरी इसलिए नहीं किया क्योंकि एक एक क्लब से 7-7 बंदा आया, पहले ही गेम में सबका एक दूसरे से पड़ जाएगा तो मजा नहीं आएगा, तो मजा नहीं, सही बात बोले, इसलिए लाइव लॉटरी हम लोग नहीं किए जी जी जी। दूसरा है बहुत सारा रूल्स जी जी, रूल्स का मतलब ये है कि मुंडा का पेज है देख लीजिए, ठीक है, आप अगर काटे एक बली काफी है, मतलब ये नहीं कि आपको बल चेंज करना, हाँ हाँ हाँ। एक बल खा गया पेज मिल गया, चेंज कर लीजिए बल दे, हाँ। दो में दूसरा बात यही है, जिसका हाथ में डोर उसका पेज या वो फट गया सही के बाद फट गया या कन्ना खुल गया, आप कट गए काटने वाला पतंग कट गया उसका कन्ना खुला हुआ उसका पेज, क्या बात है, सही बात बोला, ठीक है, जिसका हाथ में डोर उसका पेज, सुन लीजिए, आपको ओपोनेंट को काटना नहीं है, सपोज उसका कन्ना खुल गया आपको उसको काटना नहीं है, हटा दीजिए, हटा लेना है, तो अगर ओपोनेंट ग्राउंड तक अपना रिंग के अंदर से पतंग तो पेज तबला है, अगर नहीं उतार पाया तो पेज आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको अगर काटने गए कट गए तो पेज उसका, आप उसका हो गया, हाँ तब उसको पतंग उतारने नहीं पड़ेगा, हाँ ये सब सही बोला, वहीं पे पेज खत्म हो गया, हाँ
आपको अगर पेज अपना कॉन्फिडेंस है कि उसका कन्ना खुला हुआ पतंग को काट देंगे तो काट के क्लियर हो गया, या तो हटा सकते हैं, या तो हटा सकते हैं। अगर उसका हटाने में रिंग के अंदर वो अपना पतंग उतार लिया तो तबला तबला हो गया, नहीं तो उसका पतंग या तो आपका पेज अगर घुस गया तो आपका पेज छू गया। इन द सेंस ये बहुत छोटा जगह है। पहला बार एक और चीज बतला दे रही, मौका दिया जाएगा। बच्चे लोग का टूर्नामेंट है, कोई इसमें कोई सीनियर लोग ज्यादा 24 एज लाइक ठीक है बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करने होगा। देखिए अभी तो ग्राउंड छत्ता है, सही बात है, हम लोगों के पास ऐसा छत्ता है जो एक दूसरे को देख, सही है ग्राउंड, तो सही है, थोड़ा पेड़ उड़े बस, छोटा मोटा जगह है जी जी। इसमें बच्चे लोग का टाइप पर वैसे तो बच्चे लोग का कहीं टूर्नामेंट होता नहीं ठीक है, ये एक तो बस बच्चा का मोटिव था फुटबॉल कराया क्रिकेट, नहीं बढ़िया है बढ़िया है, इसलिए वो गुड्डी में उतरा है, इसलिए बस छोटा मोटा जगह है, बस एडजस्ट करके। क्या बात है भाई, एक जोर से ताली मार दीजिए कमेटी के लिए, क्या बात है, सब बताया जाएगा। और एक और बात, पेज से पहले पेज कटने के बाद पतंग अंदर रहा राउंड रहा जी वहाँ वो टिकटी कंसीडर करेगा आपका। हाँ। ऑब्जेक्शन है पेज से पहले कटवा लीजिए जी जी ठीक है, पेज कटने के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, पेज आपको ही मिलेगा, जो काट देगा उसको पेज मिलेगा, पेज मिलेगा बिल्कुल। पेज से पहले आप उसको नीचे का अगर पेज है ओपोनेंट का पतंग टनवा लीजिए। हाँ, अच्छा, एक बात बोल रहे हैं जी जी जी, गुड्डी गलत हो हम उतार सकते हैं उसको बोल के। हाँ हाँ हाँ, एक वार्निंग के हिसाब से एक टाइम में अगर आप बार बार एक ही चीज होगा। हाँ। आपका दो बार में, एक बार में पहला वार्निंग मिलेगा, दूसरा बार में आपको टिकट देना पड़ेगा, टाइम पास कर रहे जी 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 जी। बोलिए बोलिए, काट दिया मुंडा दिखा के पेश है ना, तो बोला या मुंडा या बल, एक बल या मुंडा, बस मुंडा या एक बस, ऐसे उठना चाहिए हल्का सा, अच्छा, या तो एक चक्कर खाना चाहिए। अगर काट दिया अगला का पतंग, अब ऐसे मुंडा में काट दिया, जाते रहा कट गया या गुड्डी टूट गया, तो आपका पेज नहीं है, तब तबला है, रोके नहीं ठीक है। अब अगर मुंडा में काटे तो या तो बल दे दीजिए या तो मुंडा चेंज कर दीजिए। क्या अगर वो 10 मिनट पहले भी कट जाए या 2 मिनट पहले भी कट जाए, आप मुंडा चेंज नहीं किए तो आपको पेज नहीं, पेज नहीं मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और किसी को कुछ पूछना, बाकी नॉर्मल काइट रूल जो है बस वही है। चलिए सबको बेस्ट ऑफ लक, चलिए दो लड़ाई मंजा का टेस्टिंग हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं 1 2 3 का डोर लड़ेगा, ओनली 1 2 3 ये देखिए भाई स्टैम्प मारते हुए, सभी मांझा में देखिए स्टैम्प मारते हुए हमारे आकिब भाई देखिए चेक कर रहे हैं मंजा को, चेक कैसा किया जाता पहले देख लीजिए, ये देखिए मजबूती चेक कर रही है, देखिए ठीक है आकिब भाई, लड़ाई खराब हो जाएगा, ये स्टैम्प मंजा में मारे सब, अपने अपना मांझा चेक करा लीजिए, मांझा पता नहीं मांझा पतंग जो जो चेक कराना चाहता है भाई करवा लीजिए। और ये देखिए अयान का ट्रिपल लाइन भी लड़ रहा है, बाप रे बाप क्या बात है, आप लड़ाइएगा। हाँ। सही है ये सही है डोर, देखिए आकिब भाई चेक कर रहे हैं, कमिटी के मेंबर्स है आकिब भाई, आज जीत जाऊंगा तो दूसरे दिन और भी ज्यादा मान जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको चेक कर लीजिए, क्या नाम है आपका, दीप भाई, हेलो चलिए ठीक है, किस क्लब से लड़ा रहे दीप, कौन सा क्लब से लड़ा रहे हैं, सुपर फास्ट चलो ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों। अरे भाई मंजा लड़ाई लेके आइए, चेकिंग हो रहा है, चेकिंग कर रहे हैं देखिए प्लेयर्स लोग, सब कमेटी के मेंबर्स मांझा वगैरह चेक करते हुए, अपने अपने मांझा सब चेक करवा लीजिए। 1 2 3 की डोर अलाउ है, ओनली 1 2 3 की डोर अलाउ है, अदरवाइज अगर आप 8400 से पकड़े गए तो आप सीधा बाहर जाइएगा, सीधा बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई चांस ही नहीं मिलेगा, सीधा आपको बाहर निकाल दिया जाएगा इस टूर्नामेंट से। तो जो भी प्लेयर्स है प्लीज 1 2 3 का डोर ही यूज़ कीजिए, 1 2 3 का डोर ही यूज़ कीजिए, सभी प्लेयर्स देखिए यहाँ पर ये अपना अपना वेट कर रहे हैं, सब चेक करा रहे हैं मांझा, देखिए अच्छा अच्छा मांझा निकल रहा है, और यहाँ भी वासी भाई की डोर यूज़ हो रही है, छाए हुए हैं हर जगह, वासी भाई छाए हुए हैं जी जी, सिर्फ वासी भाई, कलकत्ता है तो वासी भाई बिल्कुल, क्या बात है वासी भाई, आपका डोर टूर्नामेंट में, हर टूर्नामेंट में आपका डोर यूज होता है, यहाँ तक कि सब नाम नहीं है, ब्रांड है, बिल्कुल इट्स अ ब्रांड, इट्स नॉट अ नेम, इट्स अ ब्रांड, क्या बात है भाई, लोग सब रेडी होते हो, थोड़ा देर में पैच की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। आए दोस्तों पहला पैच, नीचे से मोनू, लेफ्ट हैंड साइड से, ऊपर से देखिए संजय, ऊपर से देखिए बढ़िया पैच मोनू ने काटा है, पहला पैच मोनू ने काट दिया पहला पेज, और स्कोर कर दिया देख सकते हैं 1-0 का,
बॉय स्काई क्लब, यंग बॉय स्काई क्लब का स्कोर हो चुका है 1 और संजय का 0। जी और वो पेज भी काट दिए, वो पेज भी काट दिए। तो पहला पेज मिल चुका है यंग बॉय स्काई क्लब मुनू को। चलिए ठीक है, 3 पतंग का गेम है दोस्तों, 2 पतंग अभी हाथ में है यहाँ पर ही संजय का, देखना है यहाँ संजय काट पाते कि नहीं। रिंग आउट हो गए पहला पेज में। आए दोस्तों दूसरा गेम देख रहे हैं, अली ब्रदर्स का देख सकते हैं। गुड्डू लड़ाएंगे नीचे का घर, गुड्डू नीचे से लड़ाओगे ना, ठीक है, और ऊपर से लड़ाएंगे। देखिए दीपू, दीपू लड़ाएगा ऊपर से। चलिए पेज की तरफ चलते हैं। आए दोस्तों दूसरा टूर्नामेंट का पेज देख रहे हैं, पेज सही है। नीचे से देखिएगा गुड्डू, ऊपर से देखिएगा दीपू, गद्दा मारा है, चपटा मार की जाए दीपू ने रोक के अपने पहाड़। बहुत अच्छा पेच यहाँ पर गुड्डू ने काटा है, और अच्छा पेच यहाँ पर अली ब्रदर से काटा है हमारे गुड्डू ने, और दीपू को काटते हुए यहाँ पर ही देखिए दीपू कट गए। बढ़िया पेच लड़ाए हैं यहाँ नीचे से हमारे गुड्डू। ये देखिए 1-0 का स्कोर हो चुका है यहाँ पर भी, अली ब्रदर्स काइट क्लब 1 एंड दीपू काइट क्लब 0। आइए दोस्तों दूसरा टॉस टाइम हो रहा है, देखिए या घर या पेज, एक चीज ठीक है। इंटाली की तरफ देखिए, टाटा काइट क्लब से इंटाली, और यहाँ पर ही हमारे सारम बहुत खतरनाक प्लेयर है। इंटाली बोलेंगे, हाँ हेड या टेल, टेल। चलिए टॉस उठाया गया है, देखिए क्या आता है। हेड आया, हेड आया, हेड लड़ाएंगे, और यहाँ से लड़ाएंगे बाबाई नीचे का घर। पेज की तरफ चलते हैं। आए दोस्तों नीचे से देखिएगा बाबाई, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से बाबाई, ऊपर से राइट हैंड साइड से देखिएगा। पेज सही है, राइट हैंड साइड ऊपर से देखिएगा, फ्रेंड्स फॉर एवर से भाई लड़ा रहे, करीब करा रहे हैं, देखिएगा करीब कराया, उन्होंने रोका है, इन्होंने डबल करके अंदर के बल में रख दिया है दोस्तों। ऊंचा मुंडा में देखिए जानदारी कर रहे हैं, और खींच के और ऊंचा कर लिया, बाबाई का खतरा हो जाएगा। नीचे नीचे चल जा रही है बाबाई की पतंग, खींच के और देखिए और लंघा दिया, क्या बात है। पेज फंस गया दोस्तों, फ्रेंड्स फॉर एवर देख सकते हैं, वर्सेस हावड़ा की टीम लड़ रही है, चुस्कियों में है, जानदारी कर रहे हैं। देखिए बाबाई की पतंग नीचे दबी जा रही है, वो थपक के उठा रहे हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर की पतंग देखिएगा। कैंसिल, मैं दोबारा दिखाता हूँ, एक बार फिर से पेज फेरते हुए देखिए, रोनो लड़ाएंगे फ्रेंड फॉर एवर से, रोनो ऊपर से लड़ाएंगे, और नीचे से लड़ाएंगे बाबाई देखिए हावड़ा से। चलिए पेज की तरफ चलते हैं, फिर से पेज सही होने जा रहा है, पेज की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों पेज सही है, ऊपर से रोनो राइट हैंड साइड से, नीचे से बाबाई देखिएगा, राइट हैंड साइड ऊपर से देखिएगा रोनो, फ्रेंड्स फॉर एवर रोनो लड़ा रहे हैं ऊपर से, नीचे से बाबाई हावड़ा से, लेफ्ट हैंड साइड नीचे से देखिएगा, सही हो चुका पेज, करीब करा रहे देखिएगा। बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों, बहुत ज़्यादा करीब करा लिया है, रोका है, और चेहरे की तरफ बढ़ते हुए भारी भरकम पतंग लान दिया है, पेच फंस गया दोस्तों। देखिएगा बबई की पतंग गिरते जा रही है, रोनो की पतंग आसमान में एकदम तंगी हुई है, पेच अभी भी सही है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। रोनो की पतंग दिख रही है ऊपर ऊपर, और लगता है पेच काट दिया है। पेज कैंसिल है, पेज कैंसिल। दो बार पेज कैंसिल हो गया। जी जी जी, दोनों तरफ से एक तो वार्निंग दिया गया है, पेज अगर कैंसिल होगा दोनों तरफ से एक एक पेज कम हो जाएगा। एक बार फिर से पेज फेरते हुए ऊपर से देखिए रोनो, राइट हैंड साइड ऊपर से रोनो, नीचे से देखिएगा हावड़ा से बाबाई, पेज सही हो चुका है, फाइनल हो चुका है, देखिएगा रखा है, उन्होंने बल में रख दिया, इन्होंने चपटा बाहर खींचा है, रोक लिया है, बलों में है, रोनो की भारी भड़कम पतंग है, लदी जा रही है उनकी, देखिए हल्की पतंग है दोस्तों, बाबाई की पतंग ऊपर ही ऊपर है, रोनो की पतंग ढुकते जा रही है, बहुत अच्छा लंघा दिया है, देखिए
उठा लिया बाबा ने, वो भी थपक रहे हैं, ये भी थपक रहे हैं। पेच में दोस्तों, बाबा ने देखे पूरा टान के और ऊंचा कर लिया है। रोनो भी देखे नीचे नीचे करके और ज्यादा ऊंचा कर लिया है। भाई कोई कुछ मत बोलो, पीछे से प्लेयर को लड़ाने दो। हाँ चलिए, अंदर ही अंदर जाते जा रहे हैं। दोनों की पतंग घुसे जा रही है, दोनों ने पतंग को उठा लिया है, फिर से बल में रख दिया है। देखिएगा रोनों की भारी भरकम पतंग है दोस्तों, और बाबाई भी देखिए चुस्की दे के पतंग को पार किए जा रहे हैं। और रोनो लग रहा है कट गए, रोनो कट गए दोस्तों। और बाबाई ने अच्छा पेच काटा है, ये देखिए बाबाई ने हावड़ा से अच्छा पेच काटा है। और पहला पेच काटते हुए यहाँ पर हावड़ा की टीम और रोनो यहाँ कट चुके हैं दोस्तों, फ्रेंड फॉर एवर से रोनो यहाँ कट चुके हैं। आए दोस्तों, दीपू वर्सेस गुड्डू का गेम देख रहे हैं। नीचे से दीपू राइट हैंड साइड से, ऊपर से गुड्डू। पेस सही हो चुका है, पेस फाइनल हो चुका है। देखिएगा 1-0 का स्कोर है। गुड्डू अभी आगे चल रही है अली ब्रदर्स काइट क्लब से, एक पतंग काट चुके हैं दीपू को, देख सकते हैं। बॉयज काइट क्लब से दीपू लड़ा रहे हैं आई थिंक। राइट हैंड साइड नीचे से दीपू बने हुए हाथ की तरफ चढ़ते हुए, वहीं से खड़ा खींच रहे हैं, पूरा खींच दिया गुड्डू ने, बाहर खींचा पूरा दम लगा के रोक के। बहुत अच्छा पेच यहाँ गुड्डू ने चपटा बाहर खींच के, अच्छा यहाँ पेच काटा। ये देखिए गुड्डू की पतंग यहाँ रही, और 2-0 का स्कोर कर दिया गुड्डू ने। क्या बात है, अली ब्रदर से खेल रहे हैं। आए दोस्तों, मोनू वर्सेस संजय का पेच देख रहे हैं। राइट हैंड साइड से नीचे से दिखेगा संजय, ऊपर से मोनू चपटा बाहर खींचा, मोनू ने वहीं से रोक के लंघा दिया है। संजय ने पतंग फंसा ली, डोड़ों में है। देखिए मोनू ने अंदर की बल है, बाहर की बल दे रहे हैं। मोनू के अंदर की बल है, देखिएगा संजय की बाहर की बल है। बढ़िया पेच यहाँ मोनू ने फंसा के काटा है, और 2-0 का स्कोर कर दिया है। देखिए मोनू ने अच्छा पेच काटा है यहाँ पर ही, 2-0 का स्कोर कर दिया है। ये देखिए हमारे मोनू बढ़िया खिलाड़ी है यहाँ पर ही मोनू। और संजय यहाँ, संजय भाई कट गए, देखिए संजय। दर्शक की कमी नहीं है दोस्तों, देखिए छकाछक ग्राउंड में दर्शक भरती है, सभी काइट फाइटर है। देखिए एक से एक यहाँ पर ही, ये देखिए भाई हमारे सब टेस्ट कर रहे हैं, पतंग को रेडी कर रहे हैं। बाहर में भी दर्शक भरती है दोस्तों इस टूर्नामेंट को आनंद लेते हुए। देखिए भाई लोग भी वॉच कर रहे हैं, कैसा लग रहा है टूर्नामेंट भैया बताइए, आप लोग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, आप पतंग उड़ाते हैं? चलिए ठीक है, बट पतंग को सपोर्ट करने आए बहुत बड़ी बात है। और देखिए और भी सब प्लेयर्स जो है बाहर बैठे हुए हैं, देखिएगा देख सकते हैं दोस्तों। आए दोस्तों, रोनो वर्सेस बाबाई का पेज देख रहे हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर वर्सेस हावड़ा। देखिए रोनो अब लड़ाएंगे नीचे से और बाबाई लड़ाएंगे अब ऊपर से। चलिए पेज की तरफ चलते हैं, पेज सही है दोस्तों। देखिएगा ऊपर से, देखिएगा ऊपर से बाबाई लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड नीचे से रोनो। 1-0 का स्कोर है, बाबाई एक पतंग से आगे चल रहे हैं हावड़ा, और फ्रेंड फॉर एवर अभी खाता नहीं खोली है। 3 पतंग का गेम है दोस्तों। देखिएगा नीचे से रोनो, राइट हैंड साइड नीचे से, ऊपर से बाबाई रखा है, करीब करा रहे, देखिएगा फंसाने की कोशिश कर रहे। भारी भड़कम पतंग है बाबाई की, रोनो की देखिए लोजदार पतंग है, बट रोनो की पतंग बड़ है, इस बात का ध्यान रखना है। अंदर चढ़ के आए हैं, रोका है, बाहर खींचा है, कम से बाहर खींचा है, उन्होंने डबल कराया है, कम है पतंग बाबाई की, उन्होंने और लान दिया है, पेच फंसा लिया फिर से वही पेच। और देखिए जानदारी कर रहे हैं इस बार, रोनो की पतंग काफ़ी ऊँची है और भारी भड़कम भी है, यहाँ हल्की पड़ी जा रही है। बाबाई की पतंग वहीं से अंदर मारा है, पेच फंस गया दोस्तों, बहुत तगड़ा पेच फंसा लिया है, खतरा हो जाएगा बाबाई की। नीचे चलते जा रही है बाबाई की पतंग, और यहाँ पड़ी, नहीं 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 नहीं, बाबाई अभी भी जिंदा है। देखिएगा नीचे से बाबाई, देखिएगा ये थपक रहे हैं, अब रोनो काट देंगे मुझे लग रहा है। रोनो की पतंग में भी हवा लगी हुई है, पेच कैंसिल नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा चल रही है। और दोनों थपकी का इस्तेमाल कर रहे, देखिए बाबाई देखिए थपकी मार रहे, रोनो भी थपकी मार रहे, देखिए। चलिए पेच अभी भी फंसा हुआ है, देखिए दोस्तों बाबाई की पतंग ऊपर है, देखिएगा नीचे से
रौनक की पतंग ऊपर है, माफ़ कीजिएगा, नीचे से बाबा अभी बने हुए बहुत नहीं, वहीं से रौनक भी खींच रहे हैं, बाबा भी खींच रहे हैं, क्या होना है, दोनों पैरल खींच रहे हैं। कमेटी से पूछ लेता हूँ, देखिए कमेटी भी देख रहे हैं इस पेज को, थपकी लगाए जा रहे दोनों। रौनक काटा है ना, रौनक काटा है, रौनक ने ये पेज काट दिया दोस्तों, फ्रेंड फॉर एवर से देख सकते हैं रौनक को बोलते हुए, सोनाई यहाँ पर ही देखिए, सोनाई ने आखिर काटवाई दिया रौनक से, बहुत अच्छा सोनाई, अच्छा डिसाइड कर रहे थे, हार नहीं माना, लास्ट में जीत हुई रौनक की, और एक एक बराबरी का स्कोर चल रहा है। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप लोग सबका भाई प्यार है, बस ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, चलिए थैंक यू। मोनू वर्सेस संजय का गेम देख रहे हैं, लास्ट पेज है संजय का, और मोनू ने दो पतंग काट चुके हैं। चलिए पेज सही है, देखिए नीचे से मोनू लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से संजय अपना लास्ट पेज लड़ा रहे, अंदर का गद्दा मारा है, देखिएगा चपटा बार खींचा है, अंदर आई पतंग, पेज में है दोस्तों, और बढ़िया पेज, मोनू ने पहला पेज काट दिया दोस्तों, पहला टूर्नामेंट यहां पर ही पहला राउंड जीत चुके हैं, तीन पतंग काट चुके हैं बैक टू बैक, बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन यंग बॉयज काइट क्लब, पहला राउंड निकालते हुए, और यहाँ संजय हार चुके हैं, जी 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 यंग बॉयज का ही क्लब, देखिए कितना खुश होते हो यंग बॉयज, और मोनू ने पहला राउंड को क्लियर कर दिया है इस टूर्नामेंट का, सेकेंड राउंड में प्रवेश कर चुके हैं मोनू की टीम, और संजय यहाँ पर ही, संजय का सफर यहाँ पर ही खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं संजय दा, कोई बात नहीं, भालो भालो लोड़ी चो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, अच्छा लड़ाई है, हिम्मत आपका पास है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए आए दोस्तों, आर्यन वर्सेस इंटाली का गेम देख रहे हैं, छोटू भाई लड़ाएंगे नीचे से, ऊपर से लड़ाएंगे, देखिए हमारे शारम आर्यन का एक क्लब से, चलिए पेज की तरफ चलते हैं, पहला पेज देखेंगे, आए दोस्तों नीचे से देखिएगा, राइट हैंड साइड नीचे से छोटू इंटाली का एक क्लब, ऊपर से आर्यन आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से आर्यन देख सकते हैं, चलिए पेस सही है, देखिएगा ऊपर से आर्यन गद्दा मारा है, रोका है छोटू ने, रोक के और अंदर बढ़ते हुए, देखिएगा आर्यन वर्सेस छोटू का गेम देख रहे हैं, इंटाली का एक क्लब से आर्यन लड़ा रहे हैं, इंटाली का एक क्लब से छोटू लड़ा रहे हैं नीचे से राइट हैंड साइड से, देखिएगा बहुत ज़्यादा चढ़ के आ गए हैं, आर्यन भी देखिए पतंग को अपने आसमान में कर रहे हैं धीरे धीरे, वहीं से रखा है, देखिएगा बहुत ज़्यादा चढ़ के आ गए, डिफेंस कर रहे हैं, रोका है, करीब करा रहे हैं, आर्यन और अंदर बढ़ते हुए, आर्यन ने गद्दा मारा है, छोटू ने अंदर खड़ा खींचा है, लंघा दिया पेच को, आर्यन की बल यहाँ बहुत अच्छा खा रही है, छोटी की पतंग तंगी हुई है, छोटों का यहाँ पर ही खतरा हो सकता है, दोनों पतंग चला रहे, और यहाँ छोटू कट गए, मैं बोल रहा था छोटू का खतरा हो जाएगा, और आर्यन ने अच्छा पेच काटा है दोस्तों, देख सकते हैं आर्यन ने इस पेच को काटा है, ये देखिए ये रहे, कोई बात नहीं, और छोटू ने यहाँ पर ही छोटू कट चुके हैं। आइए दोस्तों यंग बॉयज काइट क्लब से फैज लड़ाएंगे अब ऊपर से, नीचे से लड़ाएंगे फैजान, देखिएगा ऊपर से फैज राइट हैंड साइड से, नीचे से फैजान लेफ्ट हैंड साइड से, पेस सही हो गया दोस्तों, जैसे सही हुआ खड़ा खड़ा खींचना स्टार्ट कर दिया, फैजान ने चपटा बार खींचा, फैज ने अंदर का गद्दा मारा है, रोक के थपक रहे हैं, बढ़िया पेच यहाँ पड़ी फैजान ने काटा है दोस्तों, अच्छा पेच 1-0 का स्कोर कर दिया यहाँ पड़ी, और फैज यहाँ कटते हुए आए दोस्तों, गुड्डू वर्सेस दीपू का पेज देख रहे हैं, 2-0 का स्कोर है, अगर एक पतंग यहाँ गुड्डू काट देते हैं तो राउंड क्लियर कर जाएंगे, सेकंड राउंड में प्रवेश कर जाएंगे, और वहाँ से दीपू लड़ा रहे हैं, देखिए अपना लास्ट पेज, ये देखिए लास्ट पेज दीपू लड़ाएंगे, चलिए पेज की तरफ चलते हैं दोस्तों, आए दोस्तों ऊपर से देखिएगा दीपू राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से गुड्डू करीब करा रहे हैं, दीपू ने रखा है गद्दा मारा है चपटा बार, अरे वाह 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 वाह, बहुत ही शानदार पेच दीपू ने काटा है गुड्डू को, और स्कोर कर दिया है 1-2 का, क्या बात है दीपू, बढ़िया पेच काटा है यहाँ पर ही दीपू ने,
आइए दोस्तों फैजान वर्सेस फैज का देखेंगे गेम। नीचे से फैजान लड़ाएंगे, ऊपर से फैज देखिएगा। चलिए पेस सही है, नीचे से फैज लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से है हमारे फैजान। फैज और फैजान का ये देखिए दौड़ मारा है राइट हैंड साइड ऊपर से, बहुत ज़्यादा करीब करा लिया है फैजान। और अंदर बढ़ते हुए देखिएगा, रोका है, रोक के और चढ़ के आगे हाथ में देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड से फैजान है, माफ़ कीजिएगा। 2-3 का, 2-0 का स्कोर है, एक पतंग काटेंगे तो जीत जाएंगे। रोका है लेफ्ट हैंड साइड नीचे से फैजान, फैज ने गद्दा मारा है, रोका है देखिएगा, उल्टा पट मार के रोका है। फैज ने खींचने की गलती की, उन्होंने पतंग पूरा उठा लिया है देखिएगा। राइट हैंड साइड से फैज है, 2-0 का स्कोर। फैज ने अंदर का गद्दा मारा है, फैजान ने चपटा पार किया, उन्होंने रोक के, अरे वाह वाह वाह, ताकत का पेस था दोस्तों। और ये पेच बहुत ही अच्छा खेला है फैज ने, और मैच भी यहाँ जीत चुके हैं। और सेकेंड राउंड के लिए बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, 3-0 का स्कोर हो चुका है, बहुत बहुत बधाई। ये देखिए जीत की खुशी, कोई बात नहीं, यहाँ पर ही हार जीत की तो गेम है। अच्छा लड़ाया आपने, डबल करने की कोशिश थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा और ताकत चाहिए, वहाँ डबल कर रहे हैं ना, उसमें ताकत चाहिए, थोड़ा कम ताकत लगा दी है, बट कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक अली बॉयज। ये देखिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कल तो आपका गेम है, बिल्कुल आपका भी गेम है कल, चलिए हैंडसम लग रहे बड़ा। आइए दोस्तों, 2-1 का स्कोर है, गुड्डू लड़ाएंगे नीचे से, और ऊपर से लड़ाएंगे दीपू, 2-1 का स्कोर है। चलिए पेज की तरफ चलते हैं, एक पतंग अगर काट देंगे तो मैच जीत जाएंगे यहाँ पर ही। गुड्डू और दीपू अच्छा लड़ा रहे, चलिए आइए दोस्तों पेज को देख लेते हैं। ऊपर से दीपू देखिएगा, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से गुड्डू है। चलिए पेज सही है, गुड्डू ने रोका है फैजान, दीपू ने करीब कराया, सीधा गद्दा मारा है, उल्टा पट मार रहे हैं, और बढ़िया पेच यहाँ पर ही काट दिया है दोस्तों, उल्टा पट मार के, और गुड्डू यहाँ पर मैच को जीत लिया है 3-1 से, देख सकते हैं। गुड्डू बहुत बहुत बधाई सेकेंड राउंड के लिए भाई आपको, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और दीपू यहाँ कट चुके हैं, कोई बात नहीं, दीपू ने भी बहुत अच्छा खेला, नेक्स्ट ईयर ज़रूर मुलाकात होगी दीपू से, सब यंगस्टार है दोस्तों और बढ़िया बढ़िया पेच खेल रहे हैं, पट लग गया दीपू, बहुत अच्छा, फिर मिलते हैं। आइए दोस्तों, 2-1 का स्कोर है, फ्रेंड फॉर एवर का एक है, और हावड़ा की टीम की स्कोर है 2। नीचे से बबई लड़ाएंगे अब, नहीं ऊपर से बबई लड़ाएंगे, माफ़ कीजिएगा, नीचे से लड़ाएंगे भाई हमारे फ्रेंड यूनाइटेड, फ्रेंड फॉर एवर, माफ़ कीजिएगा। चलिए पेज को देख लेते दोस्तों, नीचे से देखिएगा, राइट हैंड साइड से फ्रेंड फॉर एवर, ऊपर से बबई, हावड़ा से 2-1 का स्कोर है, सही, चलिए पेज सही हो चुका है, सही हो चुका है। चलिएगा नीचे से देखिएगा, 2-1 का स्कोर है, बबई ने गद्दा मारा है, उन्होंने चपटा मार खींच के रख लिया, उन्होंने अंदर मारा है, रोका है, पेज फंसा लिया है, बबई ने बहुत अच्छा यहाँ बाहर खींच के लंघा लिया दोस्तों, बबई का यहाँ खतरा हो जाएगा, अब हवा में है पतंग फ्रेंड फॉर एवर का, और देखिए बबई ने पतंग को उठा लिया, वो भी देखिए छोड़ नहीं रहे, पूरा उठा लिया, ऊंचा कर लिया, जानदारी कर रहे हैं दोस्तों, बबई की पतंग नीचे है, फ्रेंड फॉर एवर का ऊपर है, देखिएगा बबई ने पतंग पूरा ऊंचा कर लिया है, फ्रेंड फॉर एवर भी देखिए छोड़ नहीं रहे, वहीं से टान रहे हैं, टान के और डबल कर लिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ डबल करा लिए है, पूरा फंसा लिया दोस्तों, डोड़ो में है बबई की, आप देखिए नीचे जाती जा रही है पतंग, देखिएगा बबई की पतंग अभी ऊंचा है, देखिएगा ऊपर नीचे कर रहे हैं दोनों ही, फंसा लिया है, फ्रेंड फॉर एवर अगर कटेंगे तो यहाँ सफ़र ख़त्म हो जाएगा, फ्रेंड फॉर एवर की पतंग नीचे जाते जा रही है, दबी जा रही है, बबई की पतंग ऊपर ही ऊपर है, भय फ्रेंड फॉर एवर का पतंग नीचे चले जा रही है, दबी जा रही है, फ्रेंड फॉर एवर कट चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर ही देखिए बबई ने मैच को निकाल दिया है, जीत चुके हैं बाबा, यहाँ पर ही मैच जीत चुके हैं, देखिए कितना खुश, लास्ट में स्कोर रहा 2-1 का,
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, तीन पतंग काट चुके हैं बोलिए। लास्ट में स्कोर रहा 3-1 का, उन्होंने एक काटा था आप लोगों को। कॉन्ग्रेचुलेशन बाबूदा, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखे यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, हावड़ा की टीम यहाँ जीत चुकी है, पहला राउंड निकाल चुकी है और प्रवेश कर चुकी है सेकंड राउंड में। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सेकंड राउंड के लिए। चलिए वहाँ से मैं मिल लेता हूँ सोनाई दा से भी, सोनाई भाई से मिल लेता हूँ। कोई बात नहीं सोनाई भाई, गेम में तो हार जीत है, वो तो है दादा, आपस का ही भाई तो है आपका। अच्छा लड़ाई है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लड़ाई है, कोई बात नहीं। बाबूना ने सब बता दिया उसको, बाबाई को सब बता के कटवा दिया इसको, इनको सब बता दिया, बाबूदा ने सब बता दिया, बाबूदा ने सब बता दिया। हाँ सही बात है, इधर भी सुनाई भैया था, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। सुनाई भाई तो एक तो पेच कटवा दी है, मगर दो पेच बात नहीं सुना आपका, बोल ले बांध बांध उल्टा छोड़ दे रहा हो गया, वो भी अच्छा खिलाड़ी है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हवा का भी प्रॉब्लम है और वो जैसा पिच लड़ाता है यहाँ का नीचे नहीं आ रहा है, सब ऊपर ऊपर लड़ रहा है तो वो ऐसा गेम लड़ाता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, टूर्नामेंट में सब लड़ाना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक और टीम क्लब है तो कल आएगा सर, फ्रेंड फॉरएवर और एक आप रहिए यार, क्या बात है, ये भी तो आपका ही टीम निकला था, आपस में गेम खिला दिया। जी 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 ठीक है कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों दर्शक, दर्शक देखिए यहाँ पर ही कमी नहीं है दर्शक की यार, देखिए हमारे सनी भाई वसीम भाई सब मौजूद है यहाँ बड़ी, देखिए समीर भाई भी है, देखिए कैसा लग रहा है, शौक मजा आ रहा है, अच्छा हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ अगला साल और अच्छा हो, आप लोग का सबका साथ रहेगा तो बच्चों लोग को और सपोर्ट मिलेगा है ना, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो उन लोग को हौसला नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा मैं विनती करना चाहता हूँ आप सबसे, जो बच्चे लोग को थोड़ा बढ़ावा दीजिए पतंग में भी। हाँ हाँ और जगह में अच्छा जी 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 सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अगले साल पार्क सर्कस खुलने वाला है, वहाँ से ग्राउंड देखने को मिलेगा कोशिश तो जारी है, अगर बहुत बेस्ट है जी जी जी, और उसी टाइम खोलेंगे बिल्कुल, अगर खुल जाती है तो बहुत बढ़िया होगा आप लोग सबके लिए बिल्कुल, मैं तो आऊंगा ही सब जगह भाई है बिल्कुल, ये देखिए सनी भाई एकदम जुड़ते हुए। चलिए दोस्तों लास्ट पेज लड़ने वाला है दोस्तों, शाहराम वर्सेस छोटू का गेम लड़ेगा, देखिएगा इंटाली से छोटू लड़ाएंगे अपना लास्ट पेज, 2-0 का स्कोर है, छोटू लड़ाएंगे अब ऊपर से, शाहराम लड़ाएंगे नीचे से, शाहराम का क्रीज ये रहा देखिए, सेट कर दिए, शाहराम वहाँ पड़ी है अभी धूप से छुपे हुए हैं दोस्तों, छोटू यहाँ रेडी हो गए देखिए, अपना लास्ट पेज लड़ाएंगे, अगर छोटू काट देते तो दो पेज हाथ में रहेगा छोटू का, ऊपर से लड़ाएंगे छोटू इंटाली से और नीचे से लड़ाएंगे शाहराम, देखे शाहराम ये रहे यहाँ पर ही है इस साइड में, पेज की तरफ ले जाता हूँ, ये देखे शाहराम आ चुके हैं, ये रहे शाहराम देखे अपना लास्ट पेज, 2-0 का स्कोर है, अगर शाहराम काट देते तो सेकंड राउंड में प्रवेश कर जाएंगे, नीचे से लड़ाएंगे शाहराम, ऊपर से लड़ाएंगे हमारे छोटू, ये देखिए। चलिए क्रीज सेट हो चुका है देख सकते हैं, सभी दर्शक भी देखे आते हुए, क्या लगता है शाहराम काट देंगे क्या अपना लास्ट पेज, तो है भाई देखिए पेज में क्या हो, क्या छोटू काट देंगे इंटाली से, क्या लगता है बताइए आप लोग, बोल ले सकते हैं जो अच्छा खेल लड़ाएगा वही काट सकते हैं। चलिए ठीक है देखते हैं, क्या लगता है शाहराम काट देंगे या छोटू काटेगा इंटाली से, मत उसका है जी जी जी, चलिए देखते हैं, उनको तो एक ही काटना है, चलिए आइए दोस्तों, नीचे से शाहराम लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से छोटू ऊपर से, पेस सही है, पेस सही हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड से देखिएगा शाहराम नीचे से, राइट हैंड साइड से छोटू इंटाली का एक क्लब, नीचे से शाहराम, 2-0 का स्कोर है, छोटू पतंग कम करके ले आ रहे देखिएगा बहुत ज़्यादा, ये देखिए छोटू की पतंग ये रही लेफ्ट हैंड साइड, नीचे से शाहराम बने हुए हैं देखिएगा, राइट हैंड साइड से छोटू बहुत ज़्यादा कम करके ले आए देखिएगा दोस्तों, छोटू की पतंग कम है, शाहराम की पतंग बहुत ज़्यादा दूर लगी हुई है, पेज लड़ाने के लिए बोल रहे हैं, देखिएगा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से शाहराम, ऊपर से छोटू बने हुए हैं, चलिए दोस्तों शाहराम ने ऊंचा ऊंचा करके दिया है देखिए, छोटू ने वहीं से गद्दा स्टार्ट किया है, और अंदर बढ़ते हुए छोटू देखिएगा करीब करा रहे, शाहराम भी करीब करा रहे, बहुत ज़्यादा ऊंचा किया छोटू ने, गद्दा मारा है, रोका हुआ है अभी भी,
सारंग ने ऊंचा करके दिया है, छोटू ने अंदर का गद्दा मारा है, सारंग ने बाहर खींचा है, छोटू ने सीधा गद्दा मारा है, सामने उल्टा पट मारा है, दिखना है क्या होता है। ये देखिए तेजी बाहर से टाना है, उन्होंने अंदर का गद्दा मारा है, यहाँ पर ही छोटू ने बहुत अच्छा, छोटू यहाँ बाहर खींच के काट दिए दोस्तों, और एक और दो का स्कोर कर दिया है, और छोटू यहाँ पर ही इंटाली से बहुत शानदार शानम को काटा है, और पेच हो चुका है, पेच हो चुका है, बिल्कुल पेच मिल चुका है छोटू को, और बहुत अच्छा गद्दा मारा है छोटू ने, क्या बात है, एक और दो का स्कोर कर दिया छोटू ने। कैसा लग रहा है गेम, क्या लग रहा है, कौन जीतेगी, शारम भाई जीतेंगे या छोटू भाई जीतेंगे, क्या लग रहा है, छोटू भाई को दो काटना, इनको एक काटना, तब भी वही लग रहा है वही जीतेंगे, क्या बात है, चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आइए दोस्तों, शारम आ चुके हैं फिर से नीचे से, छोटू भाई ऊपर से लड़ाएंगे क्योंकि इनका गुड्डी अंदर है और ये परमिशन दे दी, आप नीचे से लड़ाइए, हालांकि ऊपर नीचे का गेम है, बट छोटू ने बोला है मैं ऊपर से लड़ाऊंगा और ये परमिशन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए राजू भाई लटाई पकड़े हुए, छोटू लड़ाएंगे नीचे से, 2-1 का स्कोर है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। सनी भाई भी एकदम मौजूद है, क्या लगता है शारम या छोटू, देखिए इंटाली या शारम, कुछ ने बोला यार, जी जी इनको दो काटना है, उनको एक काटना है, क्या लगता है, देखिए चलिए देखिए, वो तो पता चल ही जाएगा, टक्कर है ये पूरा, जी 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 जी, एक काट दे तो टक्कर में आ जाएगा और तो बराबर हो जाएगा फिर, चलिए ठीक है, चलिए। आइए दोस्तों, शारम नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से देखिएगा, ऊपर से छोटू, 2-1 का स्कोर है, सही हो चुका है पेच, देखिएगा छोटू को दो काटना है, शारम को बस एक काटना है, चलिएगा पेच सही है। राइट हैंड साइड से देखिएगा, ऊपर से छोटू, नीचे से शारम, मर्जी का गेम नहीं है दोस्तों, फिर भी छोटू ने बोला मेरे गुड्डी अंदर है, तो शारम ने बोला ठीक है आप ऊपर ही से लड़ाइए, नीचे से लड़ाने नहीं दिया गया है, ऐसा समझिएगा, क्योंकि अंदर पतंग नीचे से नहीं लड़ती है, शारम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बोले ठीक है मैं ही लड़ाऊंगा नीचे से, ऊंचा कर रहे, देखिएगा छोटू भी पतंग अपने ऊंचा कर लिए, लगता है वही पेच दौड़ाएंगे क्या फिर से। लेफ्ट हैंड साइड से देखिएगा, नीचे से शारम, राइट हैंड साइड से छोटू, अंदर का गद्दा मारा है, रोका हुआ है, देखिएगा और अंदर बढ़ते हुए, और अंदर बढ़ा है, रोका है, और अंदर बढ़ते हुए डिफेंस करके और छोटा कर रहे हैं पतंग, देखिएगा अंदर का गद्दा मारा है, वहीं से चपटा बाहर खींच ले गए, रोका है, और ये पेच हो चुका है दोस्तों, पेच यहां मिल चुका है क्योंकि क्रीज आउट हो गया, बिल्कुल भाई क्रीज आउट हो गया, क्या क्रीज आउट हो गए, शारम क्रीज आउट हो गया, 2-2 बराबरी का स्कोर हो चुका है भाई, क्रीज आउट हो गया ना, जी जी 2-2 ऑल बराबर का स्कोर हो गया, क्रीज आउट हो गए, शारम क्रीज आउट हो गए, और देखते हैं अब फाइनल का गेम, 2-2 बराबर का होगा, बहुत मजा आने वाला है, जैसा बोला था अकबर भाई ने वैसा हो गया, बाप रे बाप बोले बात हो गया वो चलिए अब तो और मजा आने वाला है, दिल थाम के बैठिए सब, बराबर का स्कोर देखेंगे हम लोग, इंटाली वर्सेस शारम का गेम देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आए दोस्तों, 2-2 ऑल का स्कोर देख रहे हैं, फाइनल का गेम देख रहे हैं, नीचे से लड़ाएंगे छोटू, ऊपर से लड़ाएंगे शारम, चलिए पेज की तरफ चलते हैं, नीचे से छोटू राइट हैंड साइड से, ऊपर से शारम, लेफ्ट हैंड साइड से, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड से, ऊपर से शारम, नीचे से छोटू, राइट हैंड साइड से, 2-2 बराबरी का स्कोर चल रहा, जो काटेगा सीधा सेकेंड राउंड में चला जाएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट है पूरा मैदान में, देखिएगा ऊपर से शारम, नीचे से छोटू, ऊपर से शारम, लेफ्ट हैंड साइड से, छोटू ने खड़ा खींचना स्टार्ट कर दिया, रोका है, अंदर खींच रहे, रखा हुआ शारम ने बलों में है, दिख रहा है क्या होता है, शारम पीक पतंग झूले जा रही है, छोटू ने बल में रखा हुआ है, फाइनल का ये पेच है दोस्तों, देख सकते हैं 2-2 बराबरी का, जो काटेगा सीधा सेकेंड राउंड, शारम की पतंग नीचे डूबी जा रही है, क्या होता है, छोटू भी देखिए बलों में रख लिए, पेच फंसा हुआ है दोस्तों, छोटू की पतंग नीचे गिरते जा रही है, दोनों की पतंग है बलों में, शारम ने पतंग उठा लिया, छोटू भी देखिए उठा रहे हैं, वहीं से खींच रहे हैं छोटू, शारम ने खींचा है, छोटू ने डबल कर लिया, दिखना है क्या होता है, रोकना होगा यहाँ पर ही, पूरा खींच दिए, पेच में है दोस्तों, बलों में है, देखते हैं
शारम की अंदर बल है, छोटू की भी देखिए पूरा लांध के खड़ा कर ले रहे, क्या होगा देखिए दोस्तों, सब साइलेंट में, सब देख रहे इस पेज को। चुस्की चल रही है दोनों की तरफ से, दोनों की तरफ से चुस्की चल रही है। देखिए वहाँ से पीछे से डिसाइड बोल भी रहे हैं, हल्का हल्का हाथ चलाओ, पिन ड्रॉप साइलेंट है। छोटू की पतंग लेफ्ट हैंड साइड से है, राइट हैंड साइड से देखिए शारम, क्या लगता है शारम की पतंग बहुत ज़्यादा ऊंचा चल गए हैं, देखिएगा बहुत ज़्यादा लंद गई है शारम की पतंग। देखिए छोटू वहीं से पट मार रहे हैं, बहुत जानदारी कर रहे हैं छोटू। यहाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो चुका है, पेज को कैंसिल कर दिया गया। दोबारा दिखाता हूँ क्या हो रहा है, ये फाइनल का पेज में क्या हो रहा है, देखिए सब यहाँ पर ही कन्फ्यूज ही हो जा रहे हैं बार बार। आइए दोस्तों, बराबरी का स्कोर चल रहा, बहुत बार कैंसिल हुआ है पेच, ऊपर से शारम, नीचे से देखिए, नीचे से छोटू, पेच सही है देखिएगा, नीचे छोटू राइट हैंड साइड से, ऊपर से शारम रोका है, गद्दा मारा छोटू ने, उल्टा पट मारा रोक के, देखिएगा पेच फंसा हुआ है दोस्तों। फिर से कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल ये तो रेफरी दे दिया कैंसिल, नहीं तो कैंसिल नहीं होता है। हाँ थोड़ा देख के लड़ाओ भाई, क्या ये कैंसिल नहीं होता क्या, वो जब तक वो भी नहीं बोलेगा तब तक नहीं होगा क्या गुड्डू, सही है बोले। हाँ चलिए ठीक है, आपने कैंसिल करवा दिया वो तो गुड्डी बाहर हो गया, जी 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 गुड लक है उसका, गुड्डी बाहर हो गया नहीं रहता तो हम तो जी 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 कोई ऑप्शन ही नहीं था तब। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेज फेरते हुए, राइट हैंड साइड देखिएगा, नीचे से छोटू इंटाली काइट क्लब, ऊपर से शारम लेफ्ट हैंड साइड से, पेज सही हो चुका है, दो दो बराबरी का स्कोर, जो काटेगा सीधा सेकेंड राउंड। छोटू अंदर आते हुए देखिए तेजी हाथ से, शारम ने गद्दा मारा है, रोका है छोटू ने, रोका हुआ रोक के गद्दा मारा, चपटा बाहर खींचा, पूरा दम लगा के खींचा, यहाँ पूरी पूरा दम लगा दिया और ये जीत चुकी है। ये देखिए जिता दिया छोटू ने, बाहर खींच के यहाँ पर इंटाली को जिता दिया है, बहुत अच्छा यार छोटू, बहुत अच्छा खेला यहाँ पर ही, सभी ने बहुत साथ दिया भाई, एक बार जोर से ताली भाई छोटू के लिए भाई, क्या पेच खेला छोटू ने, बहुत अच्छा छोटू, बहुत अच्छा यहाँ हारा हुआ मैच को जिताया भाई, एक बार ताली भाई जोर से छोटू के लिए भाई, हारा हुआ मैच को जिताया बिल्कुल, बहुत साथ दिया भाई, और छोटू ने बाहर ही खींच के काट दिया इस बार शारम को, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत बार मैच कैंसिल हुआ, पेच कैंसिल हुआ, उसके बावजूद भी इतना अच्छा पेच खेला, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पेच मतलब पेच ऑफ द मैच का तरह हुआ है। और चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, बिल्कुल।